हेलो दोस्तों, क्या हालचाल सबके। स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज हम एक न्यू गेम खेलने वाले हैं जिसके नाम है हिटमैन। तो मैं थोड़ा सा गेम का स्टोरी लाइन बता देता हूँ, गेम पे क्या करना होता है। मेनली मैं एक हूँ आईसीए एजेंट। जो गेम का मेन कैरेक्टर है वो है एक आईसीए एजेंट जिसका नाम है 47। मेनली वो एजेंट है इसलिए उसका नाम हो गया एजेंट 47। हाँ, नाम थोड़ा सा अलग है 47, हाँ, लेकिन कैरेक्टर का नाम वही है एजेंट 47, जो कि एक बहुत मशहूर कैरेक्टर है। एंड इसका जो मेनली एजेंट 47 का काम होता है वो होता है मेनली जो टारगेट होता है उसको एकदम साइलेंटली किल करना। किसी को कुछ वनक भी नहीं लगना चाहिए और एकदम साइलेंट किल करना पड़ता है। तो यही है मेन हम लोग का कैरेक्टर, जो टकला देख रहा है, टकला बाबा सामने जो देख रहे हैं वही है मेनली गेम का मेन कैरेक्टर, जो है एजेंट 47। मेनली हेयर पे, मतलब हेड पे कोई हेयर नहीं है और नॉर्मल फुल थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि मेनली थोड़ा सा मैं छुप के खड़ा हूँ इधर क्योंकि मेरे को कोई देख ना ले। इसलिए मेनली मेरे पास एक बहुत सारा चीज़ है, उसमें से स्नाइपर पिस्तौल है जिसपे सप्रेसर, स्नाइपर नहीं सप्रेस पिस्तौल है जिसपे सप्रेसर है ऑलरेडी पहले से। तो इधर है मेनली हमको जो टारगेट है वो है जैस्पर नाइट, जो कि यूएस का एक बहुत मशहूर चेस प्लेयर है, मतलब बहुत ही अच्छा चेस प्लेयर है। तो इसको ही हम लोग का टारगेट है, इसको एकदम साइलेंटली किल करना है। मेनली इधर सामने बहुत सारा गार्ड है तो मैं पहले एक बार नीचे उतरता हूँ, ट्रक का कवर लेता हूँ, सॉरी जो थोड़ा सा छोटा गाड़ी है उसका कवर, और एक गाड़ी का कवर लेते हैं। मेनली मैं दिखा देता हूँ, देखो जो रेड कलर में दिख रहा है मैप पे, मतलब स्क्रीन पे, वो है मेनली हम लोग का टारगेट। एंड जो व्हाइट कलर में दिख रहा है, ओके, जो सामने एक व्हाइट कलर में है और एक जो डिब्बा के अंदर है वो सब मेनली पुलिस है, ठीक है। तो हम लोग को मेनली छुप छुप के मेनली अंदर जाना है, ओके। तो हम लोग को मेनली जो हिंट मिला है इधर, हम लोग को एक मैकेनिक का ड्रेस पहनना है, ठीक है। एक सेकंड, इधर है एक हैमर है जो हमने पिक कर लिया, ठीक है। तो मेनली इसको टाप के हम लोग को अंदर घुसना है। तो पहले देखते हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कहाँ, मतलब कौन आया है कौन जा रहा है, ठीक है। तो इधर से अंदर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो देखते हैं कहाँ से मिलेगा हमको अंदर, कहाँ से जा सकते हैं। ओके, इधर से एक ऑप्शन है अंदर जाने का, तो हम अंदर घुस चुके हैं, थोड़ा सा बैठ जाते हैं। किसी को थोड़ा सा शक हुआ है, ठीक है, आवाज आया है, तो सामने मैकेनिक है उसको शायद थोड़ा सा आवाज आया है, उसको जाने देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। तो ठीक है, वो जा रहा है तो हम कार का कवर लेते हैं, ठीक है। तो मेनली हम लोग को अंदर जाने के लिए थोड़ा सा पुलिस का कोई ड्रेस या फिर मैकेनिक का ड्रेस चाहिए, ठीक है। तो एक पुलिस जो हम लोग को दिख रहा है सामने अकेला खड़ा है, तो उसको हमको मारना पड़ेगा एकदम साइलेंटली। कैसे मारेंगे वो हमको सोचना पड़ेगा, मैं अभी बॉस के अंदर हूँ तो हमको कोई देख नहीं पाएगा, ठीक है। मेनली इधर एक दो क्वाइन है जो हमने पिक कर लिया। मेनली क्वाइन यूज़ होता है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब किसी को, तो हम इस क्वाइन से पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं एकदम कोने पर, ठीक है। चलो, मैंने एक क्वाइन फेंक दिया, उसको कुछ थोड़ा सा शक हुआ है, ठीक है, ओके। तो वो रेडियो पे किसी से बोल रहा है कि इधर कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो बताया रेडियो में किसी को। अब वो जा रहा है चेक करने, ठीक है, ओके। इसी टाइम पे हमको मारना है इसको, ठीक है, ओके। इसको गला दबा के हम इसको, ठीक है, मार देते हैं, ओके। अब ये हो चुका है, मर चुका है, ठीक है। इसका मेनली जो हमको ड्रेस चाहिए तो हम ड्रेस पहन लेते हैं, ओके। अब इसको बॉडी को मेनली हमको ठिकाना लगाना पड़ेगा, ठीक है। इधर सामने डिब्बा है, उसके अंदर हम इसको बॉडी को डाल सकते हैं, ठीक है। इसको उठा के इसके अंदर फेंक देता है, ओके। जो सामान गिरा है, ओके, हम लोग का जो क्वाइन था उसको हम उठा लेते हैं और पुलिस का गन उठा लेते हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा सा पिस्तल पे बुलेट्स भी है, तो अब हम लोग पुलिस बन चुके हैं, तो हम लोग अब डरने का ज़रूरत नहीं है। एकदम छाती चौड़ा करके हम अंदर घुसेंगे, ठीक है। फेस से थोड़ा सा, फेस किसी को ज़्यादा दिखाना नहीं है, नहीं तो किसी को समझ आ सकता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं एकदम अंदर, और अंदर दिखाता हूँ मैं क्या हाल है और कैसे मैं जैस्पर नाइट को मारेंगे, ठीक है। तो चल, थोड़ा सा किसी को शक हो रहा है, ठीक है, मेरे ऊपर, तो जल्दी जल्दी चलते हैं अंदर, किसी को और किसी को पता चले उससे पहले, ओके। तो हम अंदर आ चुके हैं, ए है मेनली, ए एंट्री नहीं है शायद, ए साइड का कोई गेट होगा। और इधर कुछ मिला हमको, आई थिंक ये चूहा मारने का दवाई है जो किसी पे हम मिला सकते हैं, ठीक है। इधर एक ऑप्शन आ रहा है जो हम, ओके, इसको हम उठा के देख लेते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। एज, ओके, जो हम लोग को हिंट मिला है वो है हम लोग का जो, हाँ, पहले जो हिंट था हम लोग का मैकेनिक का ड्रेस पहनना है,
तो हम लोगों को एक मैकेनिक को मारना पड़ेगा जिससे हम रिपेयर कर सकते हैं प्लेन जेट को, ठीक है। तो एक मैकेनिक इधर कुछ काम कर रहा है और इधर एक डिब्बा भी है, ठीक है। मेनली इधर और कोई नहीं है, तो इसको हम मार सकते हैं और अंदर घुसा सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। और ये हो चुका है और ये मर चुका है, ठीक है। ओके, अब ये फुल्ली मर चुका है। इसका ड्रेस हम पहन लेते हैं। ओके, ड्रेस हमने पहन लिया। अब इसका बॉडी को हम ठिकाने लगा देते हैं, नहीं तो बॉडी कोई देख लेगा फिर पता चल जाएगा सबको, इसलिए बॉडी हाइड करना इम्पोर्टेंट है बहुत। और ये क्या पढ़ रहा था भाई, ठीक है छोड़ दो इसको, जो भी पढ़ रहा था। ओके, इधर एक विंच है जो टाइड वाइड करने में काम आता है, हमने पिक कर लिया उसको, काम आ सकता है हम लोग का बाद में रखने का, बाद क्या प्रॉब्लम आ रहा। चलते हैं आगे और मैं दिखा देता हूँ मेरे पास क्या क्या है। हैमर है, गन है, क्वाइंस है, चूहा मारने का दवाई है और सप्रेस पिस्टल है, ये सब चीज़ है मिली कभी काम आता है। विंच हम हाथ में पकड़ के रखते हैं, किसी को शक भी नहीं होगा क्योंकि मैं मैकेनिक हुआ अभी, ठीक है। तो मेनली हम लोग को इधर कुछ करना पड़ेगा। ओके, इधर हम लोग को जो सीट है वो हमने इजेक्ट कर दिया, ठीक है, प्लेन से मेनली, ठीक है, हमने इसको हटा दिया है जो सीट है उसके प्लेन जेट के साथ। अब आई थिंक जब जेट मतलब सीट को पुल करेगा तब शायद जेट ऊपर चला जाएगा मेरा हिसाब से, ठीक है। देखते हैं, बहुत ज़्यादा ही हाइट है इसका, बाहर से लुक है। तो चलते हैं हम लोग ऊपर और देखते हैं क्या करना है उसको। आई थिंक जैस्पर नाइट को बुला के लाना पड़ेगा क्योंकि उसको जेट पे बैठाना भी होगा। तो चलते हैं उसके पास और बुला के लाते हैं, वो ऊपर ही था, ठीक है। भाग के चलते हैं थोड़ा सा। ओके मैं, ओके ये जो सामने दिख रहा है यही है हम लोग का मेन टारगेट जैस्पर नाइट, जो कि एक चेस प्लेयर है, मशहूर चेस प्लेयर है, ठीक है। हम अंदर भी देख लेते हैं क्या है, ठीक है। इधर कुछ बॉक्सेस है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है इधर, ठीक है। तुम्हें ऐसे उसको ओपन में मार ही नहीं सकते, तुम मारोगे तो फिर रिटर्न नहीं जा पाओगे। एक चेस बोर्ड है इधर, ठीक है। देखते हैं चेस किस किस को चेस खेलना आता है, मेरे को कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। मेरे को थोड़ा बहुत आता है खेलना, पोजिशन मेरे को ठीक से दिखा नहीं। तो चलते हैं अंदर, अंदर क्या हाल है देखते हैं, ठीक है। ओके, यही है हम लोग का मेन टारगेट जो जैस्पर नाइट है। हम इसको अभी इधर मार सकते हैं लेकिन मेनली इधर दो गार्ड है उसके एकदम करीब है, मैं मार के भाग नहीं पाऊंगा तो इसलिए मैं मार नहीं सकता इसको इधर। ओके, इधर भी एक और एक चेस बोर्ड है। ओके, मैं इसको इंस्पेक्ट कर सकता हूँ तो करके देखते हैं। ओके, ये मेनली चेस बोर्ड है एक जिसपे कोई एक पोजिशंस है, ठीक है। इधर मैं दो बम दे सकता हूँ, एक है क्वीन G3, एक है रुक F8। क्वीन G3 मेरे को अच्छा लग नहीं रहा है क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है, तो रुक F8 मेरा हिसाब से थोड़ा सा बेटर होगा। रुक F8 पे भी कुछ नहीं होगा, नाइट क्रॉस F8 हो जाएगा, उसके बाद शायद इधर से ब्लैक ही जीत जाएगा क्योंकि ब्लैक का पोजिशन थोड़ा अच्छा है वाइट के हिसाब से, मेरे को जितना पोजिशन देख के समझ में आ रहा है, ठीक है। रुक F8 करते हैं उसके बाद। ओके, सिर्फ एक ही मूव देना था उसके बाद गेम हो गया ख़त्म, इधर ही इतना ही छोटा ही कुछ है पोजिशंस है, ठीक है। और तो कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है पोजिशन में, तो ठीक है इधर और कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इससे हम जैस्पर नाइट से बात करते हैं, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। ओके चलो, इसको मैंने बता दिया कि चलो भाई चल मेरे साथ, फॉलो कर मेरे को प्लेन पे, मैं जेट पे तुमको बैठाता हूँ, ठीक है। आ रहा है मेरा पीछे पीछे, देख लो आ रहा है धीरे धीरे, चलते हैं हम भी। ओके, इधर से हम अंदर जा सकते हैं लेकिन जाना नहीं है क्योंकि शक हो सकता है किसी को, ऐसे में अंदर टाप के जाऊँगा तो। ओके ओके, एक सेकंड, मैं इसको बाहर फेंक सकता था, एक सेकंड। ओके, मैं इसको बाहर फेंक सकता हूँ, मतलब नीचे फेंक सकता हूँ, लेकिन सबको पता चल जाएगा इसलिए रिक्स नहीं लेने का। क्या बोलते हो, मारना है उसको नीचे फेंक के? चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। ओ, मूव कर गया उसका पोजिशन से, ठीक है। फिर से रोकेगा तो मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। मिशन आई थिंक फेल्ड हो जाएगा, फिर से हम कर लेंगे। एक खड़ा इधर, इसको हम फेंक सकते, इसका फेंकने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है छोड़ो, हम बाद में कभी नेक्स्ट टाइम उसको फेंकने का ट्राई करेंगे। अभी चलता है जो मेन मिशन है उस पर फोकस करता है, ठीक है। मैं आ चुका हूँ नीचे, अब उसको जैस्पर नाइट भी आ रहा है मेरा पीछे पीछे। ओके, मैंने सीट ऑलरेडी इजेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। मेनली हमको इसको बैठाना है जेट के अंदर एंड इंस्ट्रक्शन देना है आई थिंक, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इसको तो आई थिंक ज़्यादा पता होगा नहीं।
चलो आ गया मैं इधर। ओके इधर ऑप्शन है पिक करने का। ओके तो मैंने उसको बता दिया, चढ़ जाओ भाई जेट के ऊपर। ठीक है अब जा रहा है वो जेट के ऊपर चढ़ने। ओके अरे भाई जल्दी चढ़ जा, एक दो करके चढ़ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ऊपर चढ़ चुका है वो। ओके अब बैठ गया। ठीक है ए हम लोग का मेन फर्स्ट हो गया। अब ओके तो जो सेकंड है वो है पुट ऑन सेफ्टी स्ट्रैप्स, उसको मैंने बता दिया। तो वो कर रहा है आई थिंक फाइंड कर रहा है कुछ। चलो ठीक है उसको मिल गया और उसने सब स्ट्रैप्स को इन कर दिया। जो सेकंड है वो है इजेक्ट करना हैंडल को, वे कर रहा है। ओके उसको मिला नहीं अभी तक। ओके उसको मिल गया। अब है लास्ट जो पॉइंट है वो है इजेक्ट करना हैंडल को। तो वो आई थिंक इजेक्ट करेगा फिर कुछ धमाका होने वाला है। ठीक है उसको मैंने बता दिया इजेक्ट करने को, कर रहा है कर दिया उसने। ओके पूरा कर दिया उसने और ये सीट के पीछे कुछ ब्लास्ट हुआ उड़ के चला गया। ठीक है एकदम बाहर आसमानों के सैर करने चला गया। आई थिंक इतना ऊपर गया होगा तो मर ही जाएगा। ठीक है तो मेनली हम लोग का जो टारगेट था उसको हमने बिना किसी को डाउट हुए हमने उसको किल कर दिया। ठीक है तो देखो एकदम कहाँ ऊपर गया नहीं पता, आई थिंक नीचे आते आते उसको डेथ हो जाएगा। तो मेनली हम लोग का जो मिशन था वो सक्सेसफुली पास हो गया, मतलब पास हुआ नहीं अभी तक। जब तक हम बाहर नहीं जाते किसी के ऊपर, मतलब मेरा ऊपर शक हो सकता है। तो इधर से अब गेट नहीं है, इधर से गेट है। ठीक है लेकिन मैं इधर से भी एक रास्ता है जो जहाँ से मैं आया था, तो इधर से निकलता है। मेनली हम लोग का मिशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है, बाहर ऑलमोस्ट आ चुका हूँ मैं। किसी को कोई पता नहीं चला, एकदम साइलेंटली किल हो चुका है। ठीक है चलो भाग के अब चलते हैं, एकदम बाहर जाके भाग जाते हैं इधर से और हम लोग का जो मिशन है वो हो चुका है, हो जाएगा सक्सेस। अब इधर कोई गार्ड नहीं है, इधर से निकलते हैं। सामने जो है उधर एग्जिट है, उधर से हम निकल जाएंगे, फिर कोई पकड़ ही नहीं सकते हम लोगों को। हम लोग मेनली बहुत ज़्यादा ट्रेंड, एकदम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड एजेंट है, तो इसलिए सब अकेला करना पड़ता है। ठीक है तो बाहर आ चुके हैं। ओके एंड मिशन आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो मिशन एंड हो जाएगा। ठीक है देखो हाइट देख लो। ओके तो मिशन हो चुका है सक्सेसफुली पास एंड हमने जो हम लोग का जो टारगेट था उसको बिना किसी डाउट के, मतलब किसी और को डाउट नहीं हुआ, हमने आराम से उसको किल कर दिया। तो आज का वीडियो तुम लोग को मेनली कैसे लगा, जितना हो सकता था मैंने उतना अच्छा से किसी को डाउट नहीं हुआ किल किया। तो ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तुम लोगों को, ऐसे और भी साइलेंटली किल करना है हिटमैन का और ज़्यादा एपिसोड सीरीज चाहिए, ये वीडियो अच्छा लगा तो तुम लोग ज़्यादा कुछ नहीं लाइक शेयर सब्सक्राइब, यही तो तीन चीज होता है वो कर देना। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड गुड बाय।